तो भाई जो माइलेज निकल के आ रही है ना वो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और इसकी माइलेज निकल के आई है 130। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नई ट्रेवल डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े हैं, और वो है शिमला, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर है। मकसद कि यहाँ से शिमला जाने का वो है रियल माइलेज टेस्ट अपनी XUV 300 का। लास्ट टाइम जो माइलेज मैंने दिखाई थी ना, वो अपने MID पे बहुत लोगों का कमेंट आया था कि भाई इसकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको इसको माइलेज को जो टेस्ट करना है ना, रियल टेस्ट, वो आपको टैंक टू टैंक ही करना पड़ेगा, तभी रियल माइलेज मिलेगी। तो उसी टैंक टू टैंक को टेस्ट करने के लिए आज हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ, और शिमला की वादियों के आप नजारे लेना। और लास्ट में मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हमारी XUV 300 ने रियल माइलेज कितना दिया। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी क्या है कि कल शाम को ही ना मैंने टैंक एकदम टॉप अप करा लिया है, फुल टैंक करा लिया है, ट्रिप भी जीरो सेट कर दिया है। बस अब निकल रहे हैं, आपका वो आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। और बिल्कुल ऑन द टाइम है, और टाइम हुआ है अभी मॉर्निंग के 5। भाई हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ, और आज इस अपनी XUV 300 का होगा रियल माइलेज टेस्ट, मींस टैंक टू टैंक। अरे आपको तो मैंने दिखाया नहीं कि टैंक फुल करा लिया है, और जो ट्रिप था वो भी मैंने सेट कर लिया है। एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, देख रहे हो ट्रिप भी जीरो कर दिया था मैंने कल कल वही पेट्रोल पंप से घर आने तक, और अभी हम निकल ही चुके हैं। 1-2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, तो 3 किलोमीटर दिखा रहा है। साथ में कल वाली वीडियो भी डाल दूंगा जहाँ पे मैंने टॉप अप कराया था पूरा। तो इसके बाद आप पहले वो वीडियो देखो पहले। तो हो गया, कट हो गया, ऑटो कट हुआ। वो तो डाल दो डाल दो। कितना हो गया? 34 लीटर डाला ना, बस ठीक है। कितना हो गया? 32-72। तो ठीक है, अब निकलते हैं हम आगे। तो ये है कालका शिमला हाईवे। यहाँ से जो राइट, अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से हो जाइएगा राइट, बट हमने जाना है यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं शिमला। टोटल डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर है, और टाइम जो लगने की संभावना है वो 3 घंटे ऑलमोस्ट जो गूगल दिखा रहा है। तो मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ। अगर अभी की हाईवे की बात करें तो 5:25 हो रहे हैं, तो 9:30 के आसपास हमें पहुँचना चाहिए। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। सनराइज होने वाला है, तो आप सनराइज के भी नज़ारे लो। तो फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं हिमाचल में, और ये देखिए ये है हिमाचल का प्रवेश द्वार। सोलन यहाँ से है 42 किलोमीटर, शिमला 89, और ये हम एंटर कर चुके हैं शिमला की पहाड़ियों। नहीं नहीं, हम ये एंटर कर चुके हैं हिमाचल की पहाड़ियों में। अब नज़ारे देखो आप यहाँ के, और यहाँ से रियल अपनी XUV 300 का परफॉर्मेंस भी टेस्ट होगा। बस यहाँ से शिमला तक अब ऐसे ही घुमावदार रास्तों से होके निकलना है, और गाड़ी की जो स्पीड रहेगी और गियर रेशो रहेगा वो 3 और 4 में ही रहेगा। अभी फिलहाल हम 3rd में हैं, 35, आगे फिलहाल बस चल रही है इसलिए थोड़ा मैंने स्लो किया हुआ है। तो 5th और 6th गियर लगाना मुश्किल है यहाँ पे। इस तरफ देखो, इस तरफ भाई साहब क्या नज़ारे आ रहे हैं, वो टॉप पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। जा भाई तू ही चला जा, तू भी तो चंडे। ओए होए होए, बिल्कुल सीध में सामने सनराइज हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो, ये सामने गाड़ी जा रही है ना, ये भाई साहब ये है डेबू की मटीज, और ये बहुत पहले आई थी। ये जब ये लॉन्च हुई थी ना, इसको जो एडवर्टाइजमेंट इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक में जो लगाया था ना, वो लगाया था उस टाइम। वो मूवी आई थी ना, कौन सी आई थी भाई, ये रोजा, एक छोटी सी आशा है, मतलब 1000 cc इंजन है इसका, बहुत दमदार गाड़ी है, और छोटी सी कॉम्पैक्ट, कहीं भी ले जाओ। मतलब आजकल तो दिखती बहुत कम है, अब ये गाड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये बहुत पुरानी है। कम से कम ये 25 साल पुरानी है, ज्यादा ही होगी।
क्योंकि जो मुझे याद है 96-97 के आसपास लॉन्च हुई थी ये, बहुत पुरानी है यार ये तो, 96 ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए। बहुत क्यूट है, पावरफुल भी है भाई साहब, कहीं भी इसको घुमा दो। तो भाई पहुंच चुके हैं हम शिमला के बस स्टैंड, अब यहीं पे पार्किंग है, पार्किंग एक्चुअली दो है, अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, एक इधर भी है और एक आगे भी है, देखते हैं कहां जगह मिलती है। तो भाई पार्किंग में गाड़ी लग चुकी है और टोटल किलोमीटर जो चले हैं ना, वो टोटल किलोमीटर चले हैं 113। रास्ते में क्या है कि मिला नहीं था हमें पेट्रोल पंप, तो हमने फिर अभी फ्यूल टॉप अप नहीं कराया, वापसी में कराएंगे। तो भाई फाइनली शिमला से निकल पड़े हैं, ट्रिप ठीक ठाक था, नॉट टू वेल, मतलब ठीक ठाक ही बोलेंगे। शिमला मॉल रोड पे तो भाई कुछ भी नहीं था, जीरो, ठीक है। उसके बाद जाको टेंपल गए, वो थोड़ा अच्छा रहा। फुल कर दो। पेट्रोल, हाँ। ऑटो कट मारेगा पहले? और टॉप अप कर दो पूरा। बस बस, कितना आया ये? 11.38 लीटर। तो भाई जो माइलेज निकल के आ रही है ना, वो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो आ रही है टोटल किलोमीटर, देख रहे हो कितने चले हैं, 137.5। और इसकी माइलेज निकल के आई है 137.5 किलोमीटर, और डिवाइड बाय हाउ मच, 11.38 इतना लीटर तेल लगाया, तो टोटल अपना भाई निकल के आया 12 की माइलेज दिया इसने, 12 की माइलेज पहाड़ों पे। अब एक और चीज देखते हैं कि MID क्या दिखा रहा है, तो आ जाते हैं इसमें कार इन्फो। ले ये तो और कम दिखा रहा है, 11.7। दुनिया कह रही है कि पहले भाई वो गलत दिखाता है, एक्यूरेसी इसकी कम है, इसकी एक्यूरेसी तो कुछ ज़्यादा ही सही लग रही है। तो टोटल भाई किलोमीटर जो चले हैं 137 किलोमीटर का ट्रिप हुआ है, और माइलेज आई है ऑलमोस्ट 11.7, यानी कि 12 बोल लो आप, क्योंकि मेरे उसके अकॉर्डिंग 12 दिखा रहा है। तो यही था, कितना आया था माइलेज, 12.08। अच्छा, तो 12.08 की माइलेज मिली है इस ट्रिप पे, हाईवे पे, वो भी पहाड़ों में।